हेलो दोस्तों, अब सिर्फ भगवान से एक ही दुआ करता हूँ कि जल्दी से मुझे कामयाब बना दे, कि अब घर की ये मजबूरियाँ और अपने हालात देखकर ये नहीं समझ में आता कि मैं करूँ क्या, किस रास्ते पे चलूँ कि जल्दी से मुझे मंजिल मेरे पास आ जाए और मैं हर मुश्किलों से सामना कर पाऊँ। बस यही उम्मीद रहती है कि अपनों से जितनी जल्दी जुड़ जाऊं, अपनों के पास जितनी जल्दी पहुंच जाऊं, इस अजनबी शहर से निकल कर मैं भी अपने गांव, अपने लोगों के पास पहुंचूं और उनके साथ हमेशा ज़िंदगी व्यतीत करूं। यही सपना होता है यार, लेकिन नहीं मालूम रहता है ना कि घर की हालात देखकर हम लोग एक वीरान जगह पे सुनसान शहर में अकेले तनहा ज़िंदगी बिता देंगे और पता ही ना चलेगा कि कब उम्र बीत रही, और उम्र बीतते बीतते ये भी नहीं पता चलता कि कब इतनी ये जवानी से कब बुढ़ापा आ गया, इसका भी ख्याल नहीं होता ना। हम सब शुरुआत भी वहीं से होती है ना, बचपन रहता है तब तो कुछ चीज़ का फर्क नहीं रहता, घूमे टहले मौज किए खेले कूदे, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगते हैं आप, मजबूरियाँ भी इतनी होने लगती हैं पूछो ना। छोटे रहो ना कोई मजबूरी होगी ना कुछ होगा, जैसे जैसे थोड़ा बड़े होगे घर की परिस्थितियों को देख के ना इतनी मजबूरी आ जाती है, इतना सोच आ जाता है, इतना समझ आ जाती है कि भाई अब बहुत हो चुका है यार, हम लड़के हैं, हम कुछ करेंगे, हम कुछ करके बनेंगे, बिना किए बिना कुछ रुके कुछ मिलना नहीं है, बिना कुछ करके दिखाए कुछ होगा नहीं। अगर मैं इसी गांव में रहा और यहीं पे पड़े पड़े मैं ये सब देखता रहूंगा तो मैं भी इसी चीज़ों में आदत पड़ जाएगी और यहीं के यहीं रह जाऊंगा। यार यही कहना चाहता हूं कि घर में रहने वाले या बाहर रहने वालों से बस एक ही फिक्र होती है कि कितने जल्दी कामयाब बन जाऊँ और अपने घर को संभाल सकूं, अपने परिवार को संभाल सकूं और हमारे परिवार वाले हमसे खुश रहें, बस यही दुआ रहती है। लेकिन मेहनत करते रहते हैं, पता नहीं कब वो दिन आएगा, कब वो रात आएगी कि हम उस मुकाम पे पहुंच जाएं और मुकाम पे पहुंचने के बाद फिर से वही प्यार मिल जाए जो प्यार बचपन में पाया करते थे। इसी के चक्कर में रहते हैं कि हाँ बचपन वाला प्यार ही मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ यार, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर नहीं किए हो तो, और कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगती है हमारी। अगर आप देख कर बताओगे ना तो सच में बताता हूँ इसलिए दिल में ना बहुत उम्मीद जगती है कि भाई ने सपोर्ट किया, कमेंट करके बोला, और उसको जो भी मेरे पास कमेंट करेगा मैं उसको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि भाई ने इस बात पर कमेंट किया, इसके बाद में बोले हैं, ये चीज़ मेरा वादा है। तो प्लीज़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलता हूँ तब तक के लिए, ओके बाय।